हेलो दोस्तों, मनोरंजन साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 चैप्टर एरिचिंग द एडोलेसेंस एज का हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो एनसीईआरटी बुक से है। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टर्म यूज फॉर द सेक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। तो कौन सा हम लोग यूज करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल के लिए। तो हम लोग जानते हैं ये जो टर्म यूज होता है हार्मोन। हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड से जो केमिकल सेक्रेट होता है उसको हम लोग हार्मोन कहते हैं। द टर्म यूज फॉर सेक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज टेकिंग प्लेस इन द बॉडी इज हार्मोन। उसको हम लोग हार्मोन ही कहते हैं। जैसे कि आप लोग सुने होंगे मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन्स, है ना। सेकेंड क्वेश्चन, डिफाइन एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस क्या होता है? द टाइम पीरियड बिटवीन बिगनिंग ऑफ पॉबर्टी एंड एडल्टहुड। एडल्टहुड और पॉबर्टी बीच में जो टाइम पीरियड है उसी को हम लोग एडोलेसेंस एज कहते हैं। इसमें हमारा मेल और फीमेल दोनों में हमारा बहुत सारे चेंज आते हैं, है ना। जैसे कि मेल में क्या होता है, पेनिस डेवलप होने लगते हैं, है ना। जबकि फीमेल में हमारा इनलार्ज होते हैं, क्या एक एक फॉर्मेशन होते हैं और एक मैच्योर होने लगते हैं, है ना। स्वेट ग्लैंड होने लगते हैं, ऑयल ऑयल ग्लैंड भी हमारा डेवलप होने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि बॉडी में मतलब चेंज आने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज मेनस्ट्रेशन। मेनस्ट्रेशन किसको कहते हैं? कह रहे कि जब हमारा मतलब गर्ल्स जब 12 ईयर जाने लगते हैं तो उनके शरीर में क्या होता है कि एक का फॉर्मेशन होने लगता है, मतलब मैच्योर एक का फॉर्मेशन होने लगता है। और अगर वो एज फर्टिलाइज हो जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एक महीने तक अगर वो एग अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तो ओवरी का वॉल में एक ब्लड का मोटा थीक वॉल होने लगता है। और वो जो थीक वॉल है वो फिर 1 मंथ मतलब 28 to 30 डेज के बाद वो बॉडी से बाहर निकलता है। ओवरी ओवरी के थ्रू वो क्या होता है बॉडी से यूट्रस के थ्रू वो बॉडी से बाहर होता है, इसी को हम लोग मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। तो ये होता है मेंस्ट्रुएशन। 4 नंबर है, लीस्ट चेंज इन द बॉडी ऑफ बॉडी दैट टेक इन पॉबर्टी। तो पॉबर्टी में क्या होता है चेंज? तो हम लोग जानते हैं मेल और फीमेल दोनों में चेंज आते हैं। मेल में क्या होते हैं, जैसे कि मेल का शोल्डर जो है आपका वाइड होने लगता है, ठीक है। उनके फेस में क्या होते हैं, शोल्डर वाइड होने लगते हैं, चेस्ट चौड़ा होने लगते हैं मेल में। जबकि गर्ल्स में क्या होता है, उनका ब्रेस्ट डेवलप होने लगता है जो कि बच्चों के दूध पिलाने के लिए होते हैं। प्लस मेल का जो से आवाज़ है वो गहरा होने लगता है, जबकि गर्ल्स में क्या होता है पिच उनका हाई पिच होने लगता है, जिससे उनका आवाज़ पतला थोड़ा होने लगता है। तो ये सब चीज़ें प्लस आपका क्या है कि पेनिस भी डेवलप होने लगता है मेल में, जबकि फीमेल में क्या होता है ओवरी में एक फॉर्मेशन होने लगता है। तो ये सारे चेंज आते हैं। अब हमारा 5 नंबर में चार्ट बनाना है, आपको प्रिपेयर करना है टेबल, जिसमें कि टेस्टिस। टेस्टिस से हमारा क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन बनता है। ओवरी ओवरी से ऑस्ट्रोजेन बनता है। थायरॉक्साइड में हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है। एड्रिनल में एड्रिनलिन बनता है, जबकि पिट्री ग्लैंड में हमारा ग्रोथ हार्मोन जनरेट होता है। तो ये हमारा क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड का हार्मोन्स। अब हम लोग 6 चलते हैं। 6 में क्या है, व्हाट और सेक्स हार्मोन, व्हाई दे नेम्ड सो। सेक्स हार्मोन क्या है? तो क्या है, द केमिकल सबस्टांस विच सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड सच एज सेक्स सेक्स ऑर्गन, दीज केमिकल सबस्टांस आर कॉल्ड सेक्स हार्मोन। उसको मतलब जो सेक्स ऑर्गन से जहाँ से जनरेट होता है उसको सेक्स हार्मोन, और मेल में जो हमारा सेक्स हार्मोन है उसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। और उसके कारण हमारा बियर्ड होता है, वॉइस थोड़ा गहरा होने लगता है ना। प्लस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो मेल का है वो डेवलप होने लगता है, जबकि फीमेल में फीमेल का जो आपका हार्मोन उसको हम लोग कहते हैं
एस्ट्रोजन है ना, एस्ट्रोजन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है क्या गर्ल्स में ब्रेस्ट क्या होता है चौड़ा होने लगता है, प्लस वेस्ट के नीचे मतलब कमर जो है वो क्या होता है चौड़ा होने लगता है, तो ये फीमेल में है। तो यही है हमारा सेक्स हार्मोन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में देख रहे हैं, टिक में लगाने वाले, एडल्ट शुड बी केयरफुल अबाउट व्हाट दे ईट, मतलब वो बच्चे लोग क्या खाते हैं जो 12 ईयर से एबव से जो शुरुआत होते हैं, तो उसमें होना चाहिए कि प्रॉपर डाइट लेना चाहिए किस चीज़ के लिए, रैपिड ग्रोथ टेकिंग प्लेस, अच्छे से रैपिड ग्रोथ के लिए। 7 नंबर में है, 7 नंबर ये हो गया आपका, 7 कब हम लोग बी देखेंगे, 1 समझ में, बी 7 का बी हम लोग की, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 का 2, 7 का बी हम लोग देखते हैं। तो 7 का बी क्या है, रिप्रोडक्टिव एज इन वुमन स्टार्ट, तो रिप्रोडक्टिव कब होगा जब हमारा गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन शुरुआत होता है ना, तो इसमें बी हो जाएगा। सी नंबर क्या है, द राइट मेंटल फॉर अ मील, फॉर द राइट मील क्या होता है, तो चपाती दाल और वेजिटेबल्स का, ग्रीन वेजिटेबल खाना चाहिए जिससे क्या होता है ब्लड फॉर्मेशन होता है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें एडम्स एप्पल, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर और सेक्स डिटर्मिनेशन इन अनबोर्न बेबी को पर हमारा नोट्स बनाना है। तो एडम्स एप्पल हम लोग जानते हैं किसको कहते हैं, एडम्स एप्पल क्या होता है मेल में, वैसे होता तो मेल और फीमेल दोनों में लेकिन फीमेल का दिखता नहीं है लगभग, और मेल्स में दिखते हैं जिसमें क्या होता है गर्दन में जो आपके थ्रॉट के पास एक मतलब उभार आ जाता है लिरिक्स बॉक्स के, जिसके कारण क्या होता है मेल में साउंड उसका जो होता है मेल का जो वॉइस होता है वो थोड़ा हर्स हो जाता है और गहरा होने लगता है। सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर किसको कहते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर में बताया जाता है कि जिससे बॉडी में चेंज दिखता है ना, तो उसको हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कहते हैं। जैसे कि मेल में क्या होता है हमारा कि स्पर्म जनरेट होने शुरू हो जाता है, फीमेल में एक फॉर्मेशन जो होता है मैच्योर एक फॉर्मेशन होने लगता है, प्लस फेशियल हेयर आने लगता है मेल में, दाढ़ी आने लगते हैं, मूछ आने लगते हैं। तो अब आ गया क्वेश्चन नंबर 3, सेक्स डिटर्मिनेशन इन अनबॉर्न बेबी। तो अनबॉर्न बेबी सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ह्यूमन बींग्स जो है वो 23 पेयर ऑफ हार्मोन से क्रोमोजोम्स होते हैं, तो 22 तो कोई दिक्कत नहीं है, 22 में सब होते हैं, लेकिन 23rd जो होते हैं उसमें क्या होता है कि फीमेल में XX क्रोमोजोम्स होते हैं जबकि आपका मेल में X और Y होता है। तो जब X का जब Y के साथ मिलन होता है, जब X और Y मतलब कि फीमेल का X और मेल का Y मिक्स होगा, तो X Y मिलकर जो बेबी जो होगा वो क्या होगा मेल होगा, जबकि अगर मेल का मतलब कि मेल का भी अगर एक्स क्रोमोजोम गर्ल्स का एक्स क्रोमोजोम से मिलेगा तो XX मिलकर जो अनबॉर्न बेबी जो होगा वो फीमेल होगी। तो इस तरह होता है मतलब XY बॉयज बनेगा जबकि XX गर्ल्स बनेगा। तो इस तरह हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन होता है अनबॉर्न बेबी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं जिसमें क्रॉसवर्ड है, जैसे कि प्रोड्यूसिंग द वॉइस बॉक्स इन द बॉक्स, तो क्या हो जाएगा एडम्स एप्पल। सेकेंड में क्या मतलब फोर में क्या है ग्लैंड विथआउट डक्ट, तो क्या हो जाएगा इसमें आ गया एंडोक्राइन है ना, एंडोक्राइन हो जाएगा। सेवन में क्या है एंडोक्राइन ग्लैंड अटैच टू द वन, तो इसमें आ गया पिट्री ग्लैंड है ना, इसमें क्या आ गया पिट्री ग्लैंड। 8 में क्या होता है सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, तो हो जाएगा आपका हार्मोन पेनक्रेटिक हार्मोन। पेनक्रेटिक हार्मोन किसको कहते हैं, तो उसको हम लोग इंसुलिन को कहते हैं। और 10 नंबर है फीमेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन में आपका एस्ट्रोजेन कहलाता है। अब डाउन में क्या है मेल हार्मोन, मेल हार्मोन किसको कहते हैं, तो मेल हार्मोन हम लोग टेस्टोस्टेरोन को कहते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन हमारा मेल हार्मोन हो जाएगा। सेकेंड में हो जाएगा सिक्रेट थायरॉक्सिन, तो थायरॉक्सिन सिक्रेट होता है तो थायराइड होता है ना। फिर आपका थर्ड नंबर में है अनदर टर्म फॉर द टीनेज, टीनेज क्या होता है, तो इसको हम लोग एडोलेसेंस भी कहते हैं, एडोलेसेंस एज कहते हैं ना। और
फाइव नंबर में जो आपका है वो क्या होता है, हार्मोन रीच द यर्दा थ्रू द ब्लड। ब्लड से हमारा जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जो जाता है उसको हम लोग कहते हैं टारगेट साइट। फिर आज वो सिक्स में वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स में क्या हो जाएगा, लिरिनिक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लिरिनिक्स हो जाएगा वॉइस बॉक्स में, लिरिनिक्स हो जाएगा वॉइस बॉक्स में। उसके बाद आ जाएगा हमारा सेवन नंबर, टर्न फॉर द चेंज एट द एडोलेसेंस, तो उसको हम लोग पबर्टी कहते हैं। तो ए है हमारा पबर्टी, ए है हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग टेन में देखेंगे जिसके लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर टेन क्या कह रहा है कि इसमें आप जब शुरू में देखोगे तो जीरो ईयर में अगर मेल और फीमेल बेबी दोनों का 53 सेंटीमीटर उसका हाइट है, तो हम लोग देख रहे हैं कि अर्ली स्टेज में मतलब कि जीरो से फोर ईयर में मेल और फीमेल दोनों को जब हम लोग जब देख कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि जो मेल है मतलब बॉयज का, मेल बेबी का जो है वो ग्रोथ रैपिडली होता है कंपेरिजन टू गर्ल्स में। और फोर से एट ईयर में भी हम लोग देख रहे हैं कि मेल का जो ग्रोथ हो रहा है वो मोर रैपिडली हो रहा है गर्ल्स के कंपेरिजन में। हम लोग देख रहे हैं मेल में क्या हो रहा है, फोर टू एट में 96 to 114 हो रहा है, लेकिन गर्ल्स में क्या हो रहा है, 90 to 110 ही हो रहा है। लेकिन लेटर में आप जब देखेंगे जब एट ईयर टू ट्वेल्व ईयर तो बॉयज में 114 to 129 हो रहा है, जबकि गर्ल्स में 110 to 133 आ रहा है। यानी कि एट ईयर से ट्वेल्व ईयर में जो हाइट में जो ग्रोथ होता है वो गर्ल्स में मोर रैपिडली होता है, ज़्यादा तेज़ी से होता है कंपेरिजन टू बॉयज का। तो कंक्लूजन हमारा यही निकल रहा है जो आप देख रहे हैं कि 8 to 12 ईयर में आपका जो बॉडी में जो ग्रोथ होता है वो बहुत तेज़ी से होता है गर्ल्स में कंपेरिजन टू द बॉयज में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।